हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैं मेरे व्लॉग की शुरुआत थोड़ी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे जल्दी फ्री होकर घर से शॉप पर जाना है क्योंकि 11:30 बजे एक स्मूथनिंग है और स्मूथनिंग में आपको पता है पूरा समय लग जाता है, पूरा दिन लग जाता है और क्लाइंट है थोड़ी बाहर की तो उनको जल्दी जाना पड़ेगा। अब शॉप पर जाते हैं, जल्दी से वहाँ का भी काम करना है और घर का भी करना है। तो सब्ज़ियाँ हैं सारी ख़त्म, अभी बज गई हैं 10:30, तो मैं मार्केट जाऊँगी और सब्ज़ियाँ लाऊँगी और फिर सब्ज़ी बनाऊँगी। तो लगभग यूँ आटा वगैरह तो गूँथ के रख दिया है, चावल अभी भिगा के जाऊँगी, तो जैसे सब्ज़ी लेके आऊँगी वैसे चावल भीग जाएंगे, चावल बन जाएंगे, फिर सब्ज़ी बनानी रहेगी इसलिए। और चिकू के आज डाइट में है नॉर्मल रोटी और सब्ज़ी, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करना है, सिर्फ मुझे खाना ही बनाना है। तो अभी जाती हूँ मैं सब्ज़ी लेने और फिर आके आपसे मिलती हूँ क्योंकि मैं इतनी जल्दी में हूँ, मैं आपको लेके नहीं जा सकती इसलिए। ओके बाय। खाना वगैरह सब खा लिया, अब चलते हैं शॉप पर क्योंकि कस्टमर का कॉल आ गया है और मुझे जाना है। अभी बज रही है 11:30, मैं मेरे टाइम पर हूँ तो चलिए चलते हैं। हो गया वो नाश्ते, नाश्ते चढ़ गई थी तुमको और बहुत तीखा दर्द हो रहा था, सांस ही नहीं ली जा रही थी। हाँ तो होता है, मेरे को भी कभी कभार हो जाता है ऐसा। वापिस हो रहा है, हल्का हल्का तो हो ही रहा है। अभी आ गई हूँ शॉप पर और क्लाइंट बस अभी आने वाले हैं और मुझे एकदम से क्या पता क्या हो गया था, बहुत ही गंदा कैच आ गया था यहाँ पसलियों में, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था अचानक से। इतने तो मैं काफ़ी सही थी, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था और अचानक से मुझे क्या पता एकदम से इस जगह पर यूँ इधर पेन आने लग गया और मैं डर भी गई थी काफ़ी क्योंकि मुझे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। होता है कभी कभी शायद ऐसा कैच आ जाता है, पर अभी वाला कुछ ज़्यादा ही तीखा था इसलिए ज़्यादा डर लग गई थी, पर अभी मैं ओके ओके हूँ। अभी हल्का सा दर्द है पर हो जाएगा सही, शायद इसको नस पे नस चढ़ना कुछ बोलते हैं ना, वही हुआ था। और अभी मैं आगे वाली शॉप पर एक बार जा के आ जाती हूँ, फिर अंदर तो क्लाइंट्स आना। न्यूट्रलाइजर अपने बालों को यानी जो अपन ने बॉन्ड्स को ब्रेक किया है उसको फिक्स करता है। अब ये बाल इतनी देर सिर्फ ये अभी टेम्परेरी स्ट्रेट हुए हैं, अब इससे फिक्स होंगे बाल। और ये लग गया इसके बाद थोड़े भी अपनी बॉडी मूव नहीं होनी चाहिए, फिर जहाँ पर भी मूव हुआ वहाँ बैंड आ जाएगा। ये रूट्स पे लग जाए कोई दिक्कत नहीं है।
वो क्रीम फर्स्ट वाली नहीं लगी, उससे फिर वो क्या रूट्स पे लगती है ना, तो रूट्स में डैंड्रफ का इशू रहता है, इसलिए डैंड्रफ होने स्टार्ट हो जाती है। ये हमारा कैमरामैन है और अभी ये वीडियो लेगा। ले नव, चल वीडियो ले आ जा। ये हमारी लौकी हमने कद्दूकस करके रख दी है। अब इसके अंदर हम आटा मिलाएंगे और आटे के अंदर हम विभिन्न प्रकार के मसाले मिलाएंगे, जिससे ये लौकी के पराठे बनेंगे। ये हमारे पराठे का डो बन चुका है, तो अब बन रहे हैं पराठे। बन गए हैं मेरे लौकी के पराठे, जो कि मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो ये रहे, अब इनको जल्दी से खाती हूँ। मेरे को लौकी के पराठे के साथ कुछ भी पसंद नहीं है, सिर्फ लौकी के पराठे ही बातें, कोरे वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैं मेरे पराठों को इंजॉय करती हूँ और खा लेती हूँ। मम्मी का कॉल आ रहा है, बात करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अभी खाना वगैरह सब मैंने खा लिया और किचन वगैरह भी क्लीन कर दिया है। जैसे कि आपने देखा, आज मैं सुबह जल्दी फ्री हो गई थी। मैंने आज जल्दी जल्दी 11:30 बजे ही खाना बना के कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि मेरी आज थी एक स्मूथनिंग जो कि थोड़े लॉन्ग हेयर थे और बाकी भी क्लाइंट्स थे, उनको भी अटेंड करना था। पर मैं आज सुबह जब जल्दी गई ना, तो मुझे लगा मेरे सारे काम कंप्लीट परफेक्ट टाइम पर हुए हैं और जल्दी फ्री भी हो गई मैं। और काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन। और घर आए, फिर लौकी के पराठे बनाए जैसे कि मैंने आपको बताया, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, काफ़ी इन्जॉय किए। और अगर यहाँ तक पूरा व्लॉग अच्छा लग गया हो और देख लिया हो, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। और शॉप करो कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन को कर देना डाउनलोड और मुझे कर देना इंस्टाग्राम पर फॉलो। रोमा निपेश है मेरी आईडी। तो मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। बाय।